हाँ जी, जोर से बोलो। बाबा बोले कि 40-50 साल पढ़ाई पढ़ने में लगेंगे, 40-50 साल पढ़ाई पढ़ने में लगते, तो हम 40-50 साल पढ़ाई पढ़ने में लगे, 40-50 साल। हाँ, तो हम बच्चों की पढ़ाई पढ़ने में लग गए। 40 से 50 साल लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, ये बोला। हाँ, तो माने तुम बच्चों से बाबा बात नहीं करते, वो इस लिस्ट में नहीं है माता जी जिनसे बाबा बात करते हो। हाँ, आप उस लिस्ट में नहीं है जिनको बाबा ने तुम बच्चे बोला, माने आप सन्मुख नहीं बैठते हैं। आप सन्मुख बैठे हैं कि विमुख हैं? आप सन्मुख हैं कि विमुख हैं? सन्मुख हैं, फिर क्यों पूछ रहे? माने अंदर से विरोधी संकल्प चल रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि बाहर से तो देखने में सब देख रहे हैं कि सन्मुख बैठे हैं। ये कहाँ बाबा ने कहा कि तुम नहीं आवेंगे? बाबा ने तो जो भी सन्मुख बैठे बच्चे हैं सभी से कहा कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितने वर्ष लगते हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माने बाबा की राजयोग की पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो कौन सी लिस्ट में आने वाले हैं? है 16,108 राजयोगियों की लिस्ट में आने वाले। उनको खुशी बहुत होगी, अरे बाबा ने तो हमको वरदान दे दिया। क्या क्या वरदान दे दिया है? 40 से 50 वर्ष के अंदर कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगे, इतने टाइम के अंदर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन ही जाएंगे। तो संशय क्यों आना चाहिए कि हम कैसे आवेंगे? है इतना समय नहीं बचा, इतना समय क्यों? ज्ञान में अभी आए तो कब आए? अभी 1-2 साल पहले। और यज्ञ के आदि में रहे सो वही तो भूल रहे हैं, तो याद दिलाओ इनको। और बाबा है कृष्ण 16 क्लास संपूर्ण है, कृष्ण 16 क्लास संपूर्ण है। अच्छा, राम 14 क्लास, तो कृष्ण को क्यों नहीं कहा 16 क्लास? कृष्ण को क्यों नहीं कहा 16 क्लास संपूर्ण है? कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहा? कृष्ण वाली आत्मा जब त्रेता में पहुंचेगी तो कृष्ण के राज्य में होगी या राम के राज्य में होगी? राम 14 कला होगा तो कृष्ण की आत्मा भी, तो त्रेता की तो बात ही नहीं कर रहे, बात कहाँ की कर रहे? बाबा तो सतयुग की बात भी नहीं करते, बाबा तो सतयुग से भी ऊपर ले जाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों से पार ले जाते हैं। ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां देह के सुख का गम ही नहीं है, मन का सुख होगा। शरीर भल सड़ता जावे परंतु आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और बाबा हाँ, अगर युगल जोड़ा गांव से यानी किसी क्षेत्र से नहीं निकल रहा है तो क्या कुमार पाठशाला चला सकते हैं? कुमार पांडव हैं या युगल हैं? पांडव हैं। पांडव हैं तो पांडव भवन चला सकते हैं। पांडवों का संगठन इकट्ठा करें और चलाएं। गीता पाठशाला चलाना शुरू किया और कम उम्र की माताएं और कन्याएं आना शुरू हो गई, तो कुमार अपने को झेल पाएंगे? तो क्यों ऐसी बात करते? और जिन लोगों को बीमारी है कोई है, अगर वो डॉक्टर कहता है कि तुमको दौड़ना है, भागना है, थोड़ा टहलना है, जब चलना है तो करना है, ये किसने मना किया कि आप भाग दौड़ न करें, शरीर की वर्जिश न करें? शरीर को वर्जिश करते रहेंगे तो शरीर चालू रहेगा। मशीन को चालू नहीं रखेंगे तो जंग लग जाएगी। टाइम मुरली 24 घंटे चलती है क्या? फिर मुरली तो सुबह 6 बजे चलती है, 6:30 बजे भी चलती है। अमृत वेला तो 5 बजे तक भी चलता है, तो 5 बजे से लेके 6, 6:30 बजे तक भाग दौड़ नहीं कर सकते, टहलना नहीं हो सकता। कई लोगों से क्या मतलब? आपको आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं कि बाबा नहीं कहते। अरे बाबा ने कब मना किया कि आप शरीर को चालू मत रखो? शरीर भी तो एक मशीनरी है, मशीनरी चालू रखेंगे तो काम करती रहेगी। और हाँ जी, ज्ञान में एक आत्मा ने बताया कि वार्तालाप का उत्तर राम वाली आत्मा देती है, तो बाबा ये बताएं कि वार्तालाप का जवाब शिव बाबा देते हैं या राम वाली आत्मा देती है? तीसरी और जोड़ दो, या कृष्ण वाली आत्मा देती है? अरे बाबा तो कहते हैं तुम मेरे से जो भी बात करते हो वो बाबा से बातचीत करना मुरली नहीं है क्या? तो जब बाबा से बातचीत करते हो तो वार्तालाप बातचीत नहीं है, तो ये कहाँ साबित होता है कि राम वाली आत्मा बातचीत करती है? और बाबा ने कभी राम वाली आत्मा को याद करने के लिए बोला क्या? बोला ही नहीं। कृष्ण वाली आत्मा को भी याद करने के लिए नहीं बोला। किसको याद करने के लिए बोला है? शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को भी नहीं, शिव बाबा को माने बाबा साकार में है, साकार तन में है। तन भले राम की आत्मा का हो या कृष्ण की आत्मा का हो, लेकिन हम बात कौन सी आत्मा से करते हैं? शिव बाबा से करते हैं, क्योंकि बाबा तभी कहा जाएगा जब साकार और निराकार का मेल होगा। और बाबा याद नहीं अपने घंटों बैठे रहते हैं, उसी बातें याद रहती है तो उसका। आप उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं? हम तो ऊपर उतर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि बाबा और बातों पे जाने पाए निकल जाता है और बाबा हमसे भी आता है। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो नीचे से जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो अमृत वेला ऊपर की स्टेज है या नीचे की स्टेज है? ऊंची चाड़ी की स्टेज है। तो उसमें अगर अच्छी अवस्था बनने लगे, अमृत वेला सुधरने लगे तो साफ सुधर जाएगा। वही नहीं होता है, वही नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते नीचे से ऊपर चढ़ ही जावेंगे। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। हाँ क्या होता है? क्यों माया हड़प लेगी? तब हड़प लेगी। अभी तो हम लंबे टाइम तक चल सकते हैं कि नहीं, और जब लंबे टाइम तक हम बाबा की गोद में रह सकते हैं तो हमारी लंबे टाइम की अच्छी शूटिंग होगी या खराब शूटिंग होगी? ये बात क्यों भूल जाते? अभी से बाग खड़े हुए और से दबा के। और बाबा होती है तो भोग लगाने में भारत से लगता, तभी साधु महात्मा सभी लोग भोग लगाने बिना भगवान नहीं तो खाना नहीं कर पाते। माना भोग लगाना चाहिए तुलसी के पत्ते डाल है। खोल के बताओ ना, तुलसी की पत्ती डालना चाहिए भोग लगाने में या नहीं? अच्छा, भगवान को जब भोग लगाएं तो तुलसी का पत्ता डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। कहते हैं किसी भोग नहीं लगाते बगैर तुलसी के। भक्ति मार्ग में नहीं लगाते या ज्ञान मार्ग में नहीं लगाते? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग का बिना समझे बूझे भोग लगाते हैं, और ज्ञान मार्ग में समझ करके भोग लगाते हैं कि तुलसी कौन है, तुलसी का चैतन्य पत्ता कौन है। शुरुआत में तो भगवान ही भोजन लगा, भगवान है वो तो ठीक, लेकिन तुलसी का पत्ता कौन है? जैसे पीपल का पत्ता दिखाते हैं सृष्टि के आदि में, समंदर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, ऐसे ही ये पत्ता कौन सा है जिसे हम कहते हैं तुलसी का पत्ता? और वो भी दो प्रकार की तुलसी होती है, एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी। कोई भी तुलसी हो, लेकिन भोग जरूर लगाएंगे तो पत्ता जरूर डालेंगे, नहीं तो भोग स्वीकार नहीं होगा। तो कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें उठाते हैं, चलाते हैं, करते हैं, वो कहाँ की यादगार हैं? हाँ, तो कौन संगम युग में तुलसी का पत्ता कौन है? हा? हा? कृष्ण वाली आत्मा सब कुछ है। 20 बार तो बताया, तो मुरली सुनती ही नहीं ध्यान से। कितनी बार बताया है कि यज्ञ के आदि में और एडवांस के आदि में जो आत्माएं पहले पहले सरेंडर हुई थी, उन्होंने अपना भोग लगाया भगवान को, तब दूसरी आत्माएं निकली, अपने को स्वाहा कर दिया भगवान के प्रति। उन्होंने पहले स्वाहा किया तब दूसरी आत्मा निकली। तो वो तुलसी का पत्ता है, उनमें एक काली तुलसी है, एक हरित तुलसी है। काली तुलसी जंगल में फलती है, माने ये वो आत्मा है जो एडवांस में आ तो जाती है लेकिन ठहर नहीं पाती, जल्दी ही आती है, जल्दी ही जंगल में, कांटों के जंगल में चली जाती है और वहीं फलती फूलती है। ज्ञान में भी चलती है। लेकिन अंदर नहीं, फिर बाद में हरी तुलसी अर्पण होती है जगदम्बा, और वो डटी रहती है। उसके पीछे पीछे ढेर की ढेर आत्माएं सरेंडर होती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, अपने तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का, संबंधियों का। तो वो तुलसी चैतन्य में है, जड़ पत्ते की बात नहीं है। उसी तुलसी की माला भी बनती है। क्या माला बनती है? माला माने संगठन। और बोलो शाही ब्राह्मण लोग, आध्यात्मिक ब्राह्मण है, दुनियावी ब्राह्मण लोग, और जो मंत्र वगैरह ये दूसरे वगैरह जहाँ करते हैं, पैसा वगैरह लेते हैं काफी लोगों से, और बोझ लोग कराते हैं, कन्याओं का बोझ है, ब्राह्मणों का बोझ कराते हैं। उसका कोई फल अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसका कोई फल मिलता है उनको कि नहीं मिलता? यहाँ संगम युग में कन्याओं को भोग नहीं लगा रहे, कन्याओं की पूजा नहीं कर रहे, उसका तो फल मिलेगा उनको। जो भक्ति मार्ग में कोई फल मिलता है क्या? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही अंधश्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं, और ही नीचे गिरते रहते हैं। तन भी गिरता जाता है, मन भी गिरता जाता है, धन भी खत्म होता जाता है, गरीबी बढ़ती जाती है, खुशहाली घटती जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं मिलता। जन्म जन्मांतर के लिए मिलता कहाँ है? यहाँ ज्ञान मार्ग में मिलता है, जब हम समझ के काम करते हैं तब। समझ माने ज्ञान। और जब अंजनी के पुत्र हुआ था, अंजनी हाँ, तो कुंवारे में हुआ था है? इसका मतलब प्रश्न क्या होगा? हनुमान का पाठ किसका है? और गणेश का पाठ किसका है? हनुमान ब्रह्मा बाबा का पाठ है। हनुमान ब्रह्मा बाबा का पाठ है। अगर हनुमान ब्रह्मा बाबा का पाठ है तो हनुमान तो जरूर हवा में उड़ता होगा कि नहीं? उड़ता होगा। और हवा में उड़ता होगा तो जरूर ऊंची स्टेज में उड़ता है या नीची स्टेज में? ऊंची स्टेज में। और हनुमान कंधों पर किसको लेकर के उड़ता था? राम लक्ष्मण को लेकर के उड़ता था। तो हनुमान कौन है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। और वो हनुमान जिसने जिसकी पूंछ में लंका का सारा तेल और सारे शरीर रूपी वस्त्र सुंदर सुंदर उसकी पूंछ में लपेट दिए गए। हाँ, वो जो कपड़े लपेटे गए वो चैतन्य थे या जड़? चैतन्य कपड़े लपेटे गए और उसमें तेल डाल दिया। रावण राज्य में जितना भी तेल था मुरलियों का वो सारा तेल उसी की पूंछ में डाल दिया गया। फिर आग लगाई गई। वो काम की आग ऐसी लगी कि सारी लंका जल गई। वो हनुमान कौन है? अगर राम के शरीरधारी हैं तो दोनों एक ही, जगन्नाथ और श्रीनाथ दोनों एक ही चीज हैं, ये अलग अलग हैं। मुरली में तो बोला है श्रीनाथ और जगन्नाथ है एक ही चीज, क्योंकि एक ही शरीर में श्रीनाथ वाली आत्मा, एक ही शरीर में जगन्नाथ वाली आत्मा। ऐसे ही अभी एडवांस ज्ञान में हमने समझ लिया कि एक ही शरीर में हनुमान वाली आत्मा भी पार्ट बजाय रही है और एक ही शरीर में राम वाली आत्मा भी पार्ट बजाय रही है। तो जो राम वाली आत्मा थी सन 68-69 में, वो राम वाली आत्मा ने जन्म किससे लिया था? अभी तो आपने प्रश्न पूछा तो भूल गई, कौशल्या से लिया। अंजन कहते हैं ज्ञान का अंजन। आंख में काजल लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अंजन। और वो हो गई स्त्रीलिंग, तो नाम पड़ गया अंजनी। हनुमान वाली आत्मा ने जन्म किससे लिया? अंजनी से जन्म लिया। और हाँ, आपके कारण मतलब ज्ञान में भी चलते हैं और आपके कारण। अरे हाथ तो उठा दे, किधर बोल रहे? ज्ञान में भी चलते हैं और बाप के कार में विरोध भी करते हैं, तो उसका मतलब देहन में क्या होती? बाप को पहचाना नहीं है और विरोध कर रहे हैं। तो जैसे दुनिया में कोई अच्छे काम का विरोध करता है तो एक गुना पाप चढ़ता है, तो उनको ऊपर भी एक गुना पाप चढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान में भी चलते हैं, कोर्स ले चुके हैं, बट्टी कर चुके हैं और फिर भी विरोध करते हैं पहचान करके, तो 100 गुना पाप करता है। हाँ बोलो। घर में युगल को बताए आ जाती हूँ बाबा, तो गलत। युगल को बिना बताए आ जाते हैं माना युगल के अंडर में चलते हैं या भगवान के अंडर में चलते हैं? क्या साबित होता है? भगवान के अंडर में चलते हैं। भगवान ने कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास में जरूर जाना चाहिए। भगवान ने कहा कागज की मुरली सुनते हो तो 3rd क्लास मुरली है, टेप रिकॉर्ड में सुनते हो तो 2nd क्लास मुरली है, और सन्मुख सुनते हो तो 1st क्लास मुरली है। तो कौन छोड़ेगा 1st क्लास को? तो आप बिना बताए जिसको आ जाते हैं, आप उसको अपना भैया समझते हैं, आत्मा आत्मा भैया, या भगवान समझते हैं, पति परमेश्वर भैया समझते हैं। तो क्या हुआ, भैया की बात मानना कोई जरूरी है? तभी तो आ जाते हैं, तभी तो आ जाते हैं। और हाँ, राम को वनवास लिखा था, एक ही को क्यों दोष ठहराया गया? एक ही को क्यों दोष ठहराया गया? अरे दोषी कौन होता है? दोषी माने पापी, दोष माने पाप। पापी कौन होता है? जो उल्टे काम करता है सो पापी होता है। कई कई नाम ही क्या है? कई कई, एक नहीं किया, कितने किए? कई कई किए। एक बच्चा पैदा नहीं किया, कितने किए? कई कई किए। तो नाम है कई कई, तो उल्टा काम करेगी या सच्चा काम करेगी? उल्टा काम किया उसे। हाँ, दोष नहीं लगेगा, कोई न कोई निमित्त ऐसा बन पड़ेगा जो दोष लग जाएगा। और बाबा जैसे इधर मिनिमल बंद हो गया है तो दीदी का पाठ शालाओं में एक मिनट, हाँ जैसे इधर मिनिमल बंद हो गया है तो दीदी का पाठ शालाओं में संगठन के लाभ होगा या नहीं? तो आने वालों की इच्छा के ऊपर है, उन्हें गीता पाठशाला में अच्छा लगेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, अपने अनुकूल होगा तो वहाँ जाएंगे, अनुकूल नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। इसमें क्या बात है? नहीं जरूरी जैसे गीता पाठशाला में अभी सब जगह का इकट्ठा है। जरूरी तो मुरली सुनना है। गीता पाठशाला खुली है बांदा में, और बांदा में मिनी मधुबन भी खुला है। अगर गीता पाठशाला में बाबा पहुंच गए तो क्लास करने वाला मिनी मधुबन में आएगा क्या? है? आएगा? बोलो, नहीं आए। और बाबा है जब सीता लंका के राज में थी है ना, हाँ फिर वो चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दिया, तो चूड़ामणि क्या था और उसको किसने दिया? हनुमान ने दिया था, राम ने दिया था हनुमान को। चूड़ामणि उतार प्रभु दीनी, भगवान ने दिया चूड़ामणि है, राम ने तो अंगूठी दिया था ना। ओहो, वो शादी से पहले की बात है। और जो सिख लोग होते हैं ना, वो सिख लोग भी चूड़ा पहनते हैं, चूड़ी नहीं चूड़ा, लेकिन वो चूड़ा नहीं था, सिर्फ चूड़ा मणि थी, उसमें मणि और जड़ी हुई थी। तो वो चूड़ा मणि जो है मुरली में, जो सिख लोग चूड़ा पहनते हैं वो किस बात की निशानी है? बोलो, पवित्रता की निशानी। तो ये पवित्रता की निशानी भगवान बाप ने उनको पहले ही दे दी थी कि तुम जन्म जन्मांतर पवित्र रहो, नहीं तो तुम सब सीताएं हो 500 करोड़, और 500 करोड़ में सच्ची सीता 100% कौन सी है कैसे पता लगेगा? क्या देखें? चूड़ामणि देखें, पवित्रता देखें कि 100% पवित्रता किसमें है। वो चूड़ामणि देखेंगे, कहेंगे जरूर वहीं से आई है, जरूर हनुमान वहाँ गया है। हाँ, और बाबा जब सीता जी को कहते हैं कि अपमान फिर सम्मान फिर अपमान फिर सम्मान, तो कौन से नंबर की सीता है? जो सच्ची सीता होती है उसका अपमान हो सकता है? हो सकता है नहीं। बाबा ने तो कहा तुम अव्यक्त स्टेज में रहेंगे, आत्म की स्थिति में पक्के होके रहेंगे तो तुमको कोई झापट नहीं मार सकता, कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। तो बताओ कौन से नंबर की सीता होगी? हैं? कौन से नंबर की सीता है? नंबर 1 की होगी सीता। बताओ भाई कौन से नंबर की सीता होगी हैं? जिसका अपमान होता हो हैं? लास्ट की होगी, नंबर 2 की सीता होगी। जो नंबर 1 सीता होती है उसका तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। क्या भुगतान क्या होगा? क्या उसका मतलब रोज मारती हूँ, उसका भुगतान क्या होगा? इन क्या मारती हूँ? सांप, कीड़े मकोड़े, बालों के जूं है? भौरा? अरे भौरा कहाँ मिल जाता है मारने के लिए रोज हैं? कोई भी कीड़े मकोड़े हों, कोई भी जानवर हों, पशु पक्षी हों, उनके मारने का उतना दोष नहीं होता है, पाप नहीं बनता है, जितना मनुष्य को मारने का पाप बनता है। और मनुष्यों में भी नंबरवार श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका फिर नंबरवार पाप बनता है। समंदर में कितनी मछलियां मारी जाती हैं, वो मछलियां तो जानवर मछलियां हैं। ज्ञान में वेद की कोई मछलियां हैं या नहीं है? कौन है वो कन्याएं जो ज्ञान में भी चलती हैं और एक दूसरे को हप भी करती रहती हैं लगाव झुकाव में आकर के? वो मछली हैं। बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं। तो यहाँ तो ब्राह्मणों में बेहद की मछली खाने वाले भी हैं। बंगाली तो बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान मिले या न मिले, ज्ञान मिले या न मिले, लेकिन वो मछली खाना नहीं छोड़ते। तो बताओ, ये तो जानवर पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ज्ञान में चलने वाले मनुष्यों की बातें हैं। ज्यादा पाप यहाँ लगेगा कि उनको लगेगा? है? उन बंगालियों को जो ज्ञान में भी चलते हैं। ये बेहद के बंगाली सिर्फ उस बंगाल में ही नहीं है, हर सेंटर में, हर मिनी मधुबन में। और कैकई के बारे में बात है। कैकई अगर राम आदि आत्मा को गद्दी पे बैठा, मतलब राम को गद्दी पे बैठा देती, ये दुनिया का उद्धार कैसे होता और राम को रावण कैसे मारा जाता? दुनिया का उद्धार हो गया क्या त्रेता के बाद? हो गया। लो ये तो कह रहे त्रेता के बाद राम दुनिया का उद्धार हो गया। हो गया? अरे बताओ ना, दुनिया का उद्धार हो गया, फिर क्यों बोलते हो ऐसी बात? अब एक बात है कि जो ज्ञान में भी चलते हैं, जैसे कोई भाई हमारे ज्ञान में भी चलते हैं और दूसरे से झाड़ फूंक भी करवाते हैं, दूसरे कोई औलिया वगैरह से झाड़ फूंक भी करवाते हैं। वो तो बाबा ने मुरली में बोला, मुरली में बाबा ने बोला बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलिया के पास। मैं क्या करूँगा? हमने कहा बाबा से बड़ा थोड़ी है कोई, बाबा के पास जाओ, बाबा से बड़ा नहीं है। अच्छा बाबा ये धंधा करते हैं? बाबा ज्ञान सुनाने का धंधा करते हैं या ये धंधा करने आया है? और हाँ, जैसे गीता पाठशाला है, हम पढ़ रहे हैं हम बच्चे, मान लीजिए वो बिक गया, गीता पाठशाला बिक गया, बेच दिया, मतलब गीता पाठशाला बेच गया, अरे मकान बेचा जाता है, गीता पाठशाला बेच गया। हाँ, अरे वो मकान बिक गया, दूसरा मकान ले लो। हाँ, तो जैसे दूसरा ले लिया, बाबा का कदम नहीं पड़ा तो बच्चों को वहाँ जाना चाहिए, नहीं पड़ा तो आगे पड़ जाएगा, तो वही माना जाएगा ना गीता पाठशाला वो। अरे अगर नहीं पड़ा अभी तक तो आगे पड़ेगा ही नहीं। हाँ, गाँव गाँव खुलने दो गीता पाठशाला। बाबा वहाँ पहुँचे रहे, वो चली जाए, जहाँ जहाँ पहुँच गए वो तो गीता पाठशाला हो ही गई, और आगे जहाँ जहाँ पहुँचते रहेंगे वो भी गीता मंदिर हो जाए। जहाँ नहीं पहुँचे बाबा, जहाँ गीता पाठशाला चल रही है, 20-25 किलोमीटर दूरी पे है गाँव गाँव, गीता पाठशाला खुली हुई है, वहाँ भी कल बाबा जरूर पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? गीता पाठशाला है तो पहुंचेंगे, गीता पाठशाला नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। हाँ, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। उम्मीद काहे के लिए छोड़ना चाहिए? बाप की भी बच्चों के ऊपर उम्मीद है, आज नहीं सुधर रहे हैं, 71 साल हो गए नहीं सुधर रहे हैं, तभी बाप की उम्मीद टूट गई क्या? है ना। और बाबा आजकल ये खूब चल रहा है, कहीं से कोई चित्र उठा लाए और चित्र में जो बातें देख ली वो बाबा से आके पूछेंगे। टीवी सीरियल में कोई बातें आ गई वो बाबा से पूछेंगे, टीवी में ऐसे बताया, इसका क्या अर्थ हुआ? बाबा के मुरली के महावाक्य की कोई उठा लिए दो चार, बाबा इनका अर्थ क्या है? वार्तालाप में ये पूछना तो बड़ा सहज है। तो किसी ने पूछा, बाबा मंदराचल और वासुकी सागर मंथन हुआ ना, तो मंदराचल और वासुकी देवी देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन का काम हुआ तो रतन निकाले गए। वासुकी नाग को दैत्यों ने मुख से पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ी, इसका वेद में अर्थ क्या है? अब पहले तो ये समझा जाए कि समंदर मंथन जब हुआ तो वासुकी नाग कौन है, मंदराचल पर्वत कौन है और कछुआ का पार्ट कौन है? किसी की बुद्धि में है तो बताओ। अरे कच्छावतार की बात किसके सर मढ़ी गई? शास्त्रों में क्या दिखाया, किसने कच्छावतार लिया? अरे भगवान भगवान तो कच्छावतार लेता ही नहीं है, वो तो शास्त्रों में बताया। जरूर हम आत्माओं में से किसी का गायन है क्या कच्छावतार, मत्स्यावतार? जैसे अभी बताया ना मछलियां, तो मछलियों में बड़ी मछली का नाम क्या होता है? घड़ियाल। घड़ियाल होता है ना, तो मत्स्यावतार हुआ। कौन है? मगध देश में कौन पैदा होते हैं ज्यादा? मगध देश की कौन सी नदी गाई हुई है जहां मगरमच्छ बहुत होते हैं? सो नदी में, अरे गंगा यमुना नदी नहीं गाई हुई है, गंगा नदी। तो गंगा नदी में मगरमच्छ बहुत होते हैं। गंगा की सवारी किस पे दिखाते हैं? मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाते हैं। वो मगरमच्छ का पार्ट किसका है जो मत्स्यावतार बना? अरे भगवान की प्रत्यक्षता कहाँ होती है? मगध देश में। देश माने धरणी, तो मगध देश की वो धरणी कौन सी धरणी है जो शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है? अरे सीता प्रसिद्ध है, द्रौपदी प्रसिद्ध है, तो जरूर जगदम्बा भी प्रसिद्ध है। जितनी भी मछलियां समुन्द्र में होती हैं, उन मछलियों में कोई बड़ी मछली होगी ना जो सब मछलियों को हाथ पकड़ के बैठ जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बड़ी मछली कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जब छोटी माँ के साथ स्वभाव संस्कार मिला करके एक होती है तो वैष्णवी देवी कही जाती है, महालक्ष्मी। उसी का गायन है। वो कच्छ मच्छ अवतार लेता है। कौन? विष्णु कि भगवान लेता है? विष्णु कच्छ मच्छ अवतार लेता है, भगवान थोड़े लेता है। ऐसे ही मंदराचल पर्वत, क्या नाम दिया? मंद रहा अचल पर्वत। ऐसा पहाड़ कौन सा है जो अचल अखंड अडोल रहता है? पहाड़ है तो पत्थर ज्यादा होंगे कम होंगे? माने पत्थर बुद्धि है या तीखी बुद्धि है? किसका पार्ट है? ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा हुआ मंदराचल पर्वत। अब तीसरा कौन रह गया? विष्णु हो गया, ब्रह्मा हो गया। अब वासुकी नाग कौन हुआ? वसु कहते हैं धन संपत्ति को। वसु माने धन संपत्ति। ब्रह्मा से पैदा हुए, ब्रह्मा के फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने वाले शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव। एक मात्रा बढ़ जाती कि नहीं? ऐसे ही वसु का बच्चा कौन हुआ? वासुदेव, वासुकी। अब बताओ, वसु माने धन संपत्ति, कौन है वसु? वसु है शिव। वो क्या देता है? धन संपत्ति देने वाला है, वही तो धन संपत्ति है। जितना याद करेंगे उतना वो धन संपत्ति बुद्धि में समा जाएगी ऑटोमेटिक। तो वो वसु है। उसका पुत्र कौन है पहला? अरे अरे, जो धन संपत्तिवान शिव बाप है उसका पहला पुत्र कौन है? प्रजापिता शंकर। वो वासुकी हो गया। उस वासुकी नाग के मुख को पकड़ा असुरों ने। बार बार मुंह पकड़ते हैं, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये कैसे, वो कैसे, प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों की बौछार। जैसे रावण के सिर एक काटो तो दूसरा तैयार। तो वो मुंह पकड़ते हैं और देवताएं मुंह नहीं पकड़ते, वो फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने का काम पीछे से होगा कि आगे से होगा? पीछे क्या होती है? पूछ। तो देव आत्माएं जो हैं वो भगवान जैसे चलाते हैं वैसे पीछे पीछे चलते हैं। प्रश्न चित्त नहीं बनते हैं। और असुर क्या करते हैं? भगवान का भी मुंह पकड़ते हैं। मुरली ने ऐसे बोला तो ये, ऐसे बोला तो ऐसे क्यों, वैसे बोला तो वैसे क्यों। ये हुआ मुंह पकड़ना। तो वो हुआ वासुकी नाग। उसकी अभी खींचातानी हो रही है। असुर भी खींच रहे हैं और देवात्माएं भी खींच रही हैं। सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया, तो सब उसे पकड़ के अपने पंजे में रखने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? है? राजा बनेंगे। और राजा कितने बनते? नहीं, 108 राजा बनते हैं। बाकी 16,000 जो हैं वो राजा नहीं बनते हैं, या तो रानी बनेंगे या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। राजा का पद नहीं मिलेगा। अब प्रजा वर्ग वाली आत्माएं तो पढ़ती ही नहीं, संदेश लेती हैं। संदेश लिया और गए। पढ़ाई नहीं पढ़ती पवित्रता की। तो प्रजा वर्ग में आएंगी ना, राजा कैसे बन जाएंगे? राजघराने में कैसे आ जाएंगे? हाँ, बाबा बोले कि रोगी हो तो डॉक्टर को दिखाओ और दूसरे हो तो आलिया को दिखाओ। हाँ, कोई आत्मा को सब कुछ करके थक गए, वो आत्मा जैसे नहीं अच्छी हो रही, क्या उसका सब कुछ करके थक गए। माने दुनिया में डॉक्टर नापैद हो गए और दुनिया में औलिया नापैद हो गए। दुनिया में जितने औलिया हैं, डॉक्टर हैं, किसी ने गिने हैं? गिन लिए? जब तक तुम्हारे कर्म बंधन है, तुमने ऐसे कर्म किए तब तक करो, हिम्मत क्यों हारना। अभी तो बाप की छत्र छाया में हो, फिर भी हिम्मत हारोगे तो कहाँ रास्ता मिलेगा। और एक मिनट, हाँ आत्मा विधायकी है? जैसे कोई आत्मा महान है उसके मारने का ज्यादा पाप लगता है, कोई निष्कृष्ट आत्मा उसके मारने का थोड़ा कम पाप लगता है, ऐसे बाबा ने बताया। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे क्या जानवरों पक्षियों में भी है क्या? जानवरों पक्षियों में हाथी बुद्धिमान नहीं है। हाँ, वही पूछ रहे। जैसे गाय वगैरह मारने का, गाय सीधा साधा प्राणी नहीं है, देवता जैसा नहीं है, तो फिर एक होता है बिच्छू और एक होती है गाय, तो किसको मारने का ज्यादा पाप चढ़ेगा? गाय को मारने का ज्यादा पाप चढ़ेगा। हाँ, जो हिंसक हो गई, सींग मारा और किसी आदमी को मार डाला, तो वो गऊ है, गंध खाती है, गऊ है, वो कहाँ गऊ की कोट में रही। हाँ, चित्र और विचित्र का क्या मतलब? चित्र माने जिसका रूप हो, आकार हो, शरीर हो, उसे कहते हैं चित्र। और जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई देह नहीं, कोई शरीर नहीं, उसे कहेंगे विचित्र। वि माने विपरीत, चित्र माने चित्र, चित्र के जो विपरीत है, जैसे बिंदु, आत्मा, उसका कोई चित्र होता ही नहीं, बिंदु छोटे सा छोटा होता जाएगा, चित्र नहीं बनेगा। कोई बच्चे भट्टी किया हो और बाप की मुरली गीता पाठशाला में न सुनने जाती हो और संगठन में आ जाती हो, कोई के पीछे पीछे जो संगठन में आने वाले हैं उनके साथ आ जाती हो, तो उनको संगठन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दूसरा प्रश्न, बाबा से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो क्लास ही नहीं करता तो बाबा से कनेक्शन है? जो बाबा के परिवार की देखभाल ही नहीं करता, बाबा के परिवार से भी कोई कनेक्शन नहीं रखता, ब्राह्मण परिवार से, वो फिर बाबा का बच्चा है कहेंगे? नहीं, पहली बात तो वो बच्चा ही नहीं है। दूसरी बात, अगर खुदा न खास्ता संगठन में आता है, गीता पाठशाला में कारण या कारण कोई नाचाकी हो गई और जाना बंद कर दिया, परंतु जो मासिक संगठन होते हैं ब्राह्मणों के, या संडे संडे जो संगठन होता है, उसमें आ जाती है, तो उसे आने देना चाहिए या नहीं? दे देना चाहिए। क्या पता अच्छे संग से सुधर जाए, फिर दोबारा भर्ती करने के लिए तैयार हो जाए, फिर से बाप का बच्चा बन जाए। क्या लिख दिया? दादा लेखराज सिंधी ब्राह्मण थे, निराकारी संगठन में अपने को प्रभु मानने वाले बाबा हरदेव सिंह भी सिंधी ब्राह्मण हैं तथा आसाराम बापू भी सिंधी हैं, तो ये सभी सिंधी ही क्यों हैं? विश्व परिवर्तन में अपने को आगे करते हैं या करते ही नहीं? क्या लिखा? क्या है ये? विश्व परिवर्तन में अपने को आगे करते हैं या करते ही नहीं? क्या लिखा? हा? अगर लिखा है करते हैं तो ये तो बात झूठ है। विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे कहाँ करते हैं अपने को? चाहे आसाराम बापू हो, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, चाहे हरदेव सिंह हो, आगे तो नहीं किया। सिंधी ब्राह्मण आखिरी जन्म में ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मणों में सबसे गिरे हुए ब्राह्मण हैं या ऊंचे ब्राह्मण हैं? है? बहुत मांस मच्छी खाते हैं, खान पान बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि विश्व परिवर्तन में आगे हैं। बाबा ने बोला है कि बाप 100 वर्षों के लिए संगम पर आते हैं, संगम पर आते हैं या पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं? बाप तो दो हैं बेहद के, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। दोनों बाप में उत्तम बाप कौन है? आत्माओं का बाप उत्तम है और सदैव उत्तम है। उसके आने से, प्रत्यक्ष होने मात्र से पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और उसका नाम क्या है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या नाम है? शिव। तो वो कल्याण का ही काम करेगा आकर के या कुछ अकल्याण भी करेगा? सब आत्माओं का कल्याण करेगा या कोई कोई आत्माओं का अकल्याण भी कर देगा? तो कल्याण कल्याण का काम स्थापना और पालना का कर हो, जब तक होता है तब तक वो रहता है, और विनाश का काम उतना ही कल्याणकारी है जितना स्थापना और पालना, या कुछ कम कल्याणकारी है? और सभी के लिए कल्याणकारी है या कुछ बच्चों के लिए कल्याणकारी है? सबके लिए कल्याणकारी है। हाँ, तुम बच्चों के लिए विनाश कल्याणकारी है, बाकी सारी दुनिया तो हाय हाय करके मरेगी, हाहाकार में शरीर छोड़ेगी, उनके लिए कल्याणकारी कहाँ हुआ? तो वो पाठ किसका है, किसके मत्थे गया? शंकर के मत्थे गए। उसके लिए बोला शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो शिव बाबा ही है। कब? तब है शिव बाबा जब वो बाप समान स्टेज बना ले। उसका नाम सदैव के लिए शिव के साथ जोड़ दिया जाए। तब है बाप समान। बाप जब वानप्रस्थी हो जाते हैं, माने वाणी से परे चले जाते हैं, वाणी चलाना बंद कर देंगे और बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो वो वानप्रस्थी बाप घर में बैठता है या दुकान संभालता है? घर में बैठता है। शिव बाप भी कहाँ बैठेंगे? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जावेंगे तो बाप घर में बैठ जाएंगे, फिर कौन सा काम रह जाएगा? तुम बच्चे सतोप्रधान बन जावेंगे, तुम्हारी सतोप्रधान राजधानी तैयार हो जाएगी, बाप का काम खत्म। बाप का क्या काम है? सत्य की स्थापना करना, सत्य सनातन धर्म में स्थापन करना और तुम्हारी राजधानी स्थापन करना। राजधानी तैयार हो गई, बाप का फिर क्या काम? फिर जो पढ़ाई ना पढ़ने वाले हैं, क्या जो पढ़ाई को तरजीह देने वाले नहीं हैं, या जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है उनको मानने वाले नहीं हैं, उनका फिर क्या होना चाहिए? क्या होगा? विनाश हो। तो बाप विनाश करने आए हैं या स्थापना और पालना कराने के लिए आए हैं? कहा तो जाता है कि शिव बाप के तीन काम हैं, स्थापना, पालना और विनाश। लेकिन बाप खुद नहीं करते स्थापना, वो पालना, विनाश तुम बच्चों के द्वारा कराते। तुम बच्चों, वो तुम बच्चों में रुद्रमाला है या विजयमाला? रुद्रमाला है। वो ताबड़तोड़ विनाश कर देते हैं।